आरएसएस ने गोवा में अपने चीफ सुभाष वेलिंगकर से सभी जिम्मेदारियां छीन ली है। दरअसल पिछले हफ्ते जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पार्टी की रैली को संबोधित करने गोवा गए थे तो वेलिंगकर के नेतृत्व में संघ कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। वेलिंगकर ने भारतीय भाषा सुरक्षा मंच के नाम से पार्टी बनाकर ऐलान किया था कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में गोवा की 40 में से 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी के साथ राजनीतिक गठजोड़ का भी ऐलान किया था, जिसकी शिकायत शाह ने संघ के महासचिव भैयाजी जोशी से की थी, जिसके बाद संघ नेतृत्व ने उनसे सभी जिम्मेदारियां वापस लेने का फैसला किया। वेलिंगकर का आरोप था कि बीजेपी सरकार कोंकणी और मराठी भाषाओं को बढ़ावा नहीं दे रही। तो गोवा विधानसभा चुनाव से पहले संघ में तकरार देखने को मिली। सुभाष वेलिंगकर गोवा में संघ का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी छुट्टी करने से आने वाले चुनाव में बीजेपी को क्या नफा नुकसान होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए टीवी लाइव।